हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि अभी सभी जो अजमेर से आना चाहते थे, अभी ट्रेन है तो फिलहाल बहुत कम स्टार्ट है, लेकिन अभी बस स्टैंड में आप जहां से भी अगर आना चाहते हो तो रोडवेज बसें चल रही है। तो ये अजमेर शहर का बस स्टैंड है, मैं अभी आपको बैक कैमरे से भी बताऊंगा किस प्रकार का नज़ारा है यहां का। तो दोस्तों, आप जहां कहीं पर भी हो, जो अभी अजमेर शरीफ आना चाहते हैं बसों के द्वारा, जो बस स्टैंड है अपने, जो आप नज़दीकी है वहाँ से आप कंफर्म करिए। अगर डायरेक्ट आपको अगर बस नहीं मिलेगी तो अगला जो स्टेशन आएगा वहाँ से आप चेंज करके आराम से आ सकते हो। मतलब ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी हो, अभी बसें चालू है बस स्टैंड के, आप देख सकते हो। अभी हम बस स्टैंड ही है जो कि अजमेर शरीफ का। दोस्तों, आप सभी को मालूम है अपने चैनल पर अजमेर शरीफ से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहती है। तो अगर दोस्तों, ये जो मेरा अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए अजमेर शरीफ दरगाह से रिलेटेड या किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड, मैं अभी बैक कैमरा से दिखाता हूँ आपको, और अभी जो दूर से आना चाहते हैं वह आ सकते हैं। और नॉर्मल है सब। दोस्तों, अभी आप जो कह रहे हो ना कि यहाँ पे जैसे आने के बाद क्वारंटाइन होना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी स्क्रीनिंग होगी और कुछ नहीं। आप आराम से आइए, ज्यादा करिए, लंबे समय तक यहाँ पे रहिए, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे जो गेस्ट हाउस, होटल, सभी रेस्टोरेंट वगैरह सब ओपन है, आप आराम से आ सकते हो। चलिए फ्रेंड, मैं आपको बैक कैमरा से थोड़ा यहाँ का और नज़ारा बता देता हूँ, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता रहूँगा आगे साथ। तो दोस्तों, अभी हमें यहाँ पर जो कि बस स्टैंड है अजमेर शरीफ का, तो दोस्तों आप कहीं पर भी हो आप आराम से यहाँ पर आ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कई जने मेरे से ऐसे पूछे थे मतलब ट्रेनें कब स्टार्ट होगी, जैसे कि अभी कलकत्ता से सालदा है जो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी अधिकतर ट्रेनें स्टार्ट नहीं है। तो आप बस स्टैंड है, आप बसों के जरिए आ सकते हो। ये देख सकते हो, ये अजमेर शरीफ का बस स्टैंड है। मैं भी आपको पूरा यहाँ का नज़ारा बताऊँगा और आगे तक मतलब किस प्रकार का यहाँ का सीन है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप सभी को मालूम है अजमेर शरीफ से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो आपको अपने चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ये पूरा नज़ारा देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे आप आओगे तो आपकी सिर्फ स्क्रीनिंग होगी, और कई जने ऐसे बोल रहे थे ना कि मतलब सैंपल लिए जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है सैंपल वाली, सिर्फ आपकी स्क्रीनिंग होगी और कुछ भी नहीं होगा, आपका तापमान नापा जाएगा। ये देख सकते हो, ये पूरा नज़ारा है यहाँ का, और ये पूरा मैं आपको घूम करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा आगे तक। अभी आगे चलेंगे और आगे का अपन देखते हैं आगे किस प्रकार का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब जितना जो पहले आम दिनों में भीड़ भाड़ जैसा माहौल होता था ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपकी जो टिकट है उसके में आपके सीट नंबर होंगे, तो आप आराम से बैठ करके यहाँ तक आओगे। बस यही है कि आपका जो जेब खर्च है, जो ट्रेन में थोड़ा कम लगता था, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जैसे आपकी 300 रुपये की टिकट अगर ट्रेन में होती है, तो यहाँ पर आपको 300 से मतलब 500-550 की टिकट पड़ेगी। तो अभी ये पूरा आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी जितनी भी बस है ये लग चुकी है, ये पूरी बस है। अभी और आगे तक आपको चल के बताता हूँ मैं यहाँ पर किस प्रकार का नज़ारा है। तो दोस्तों, मैंने आपको इसमें मतलब पूरा नज़ारा बता रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, कई जने मतलब कंफ्यूजन में कि अजमेर शरीफ कैसे जाए, तो भी रोडवेज बसें स्टार्ट है, सभी आ सकते हो। और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, सो हो रहा है मेरे व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे व्हाट्सअप पर सिर्फ मैसेज करिए। हर कोई जैसे कॉल कर देता है ना, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो फ्रेंड, सिर्फ व्हाट्सअप पर मैसेज करिए। मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।